मेरी शाखों पर अपना डेरा बसाते हैं, उन हवाओं से जो दूर दूर की खबरें लेकर आती है, अपने इन बरसों पुरानी जड़ों से जो जमीन के भीतर दफन हजारों बरस पुराने किस्से और कहानियां खोज लाती है और मुझे सुनाती है। उन्हीं किस्से कहानियों के जमघट में छुपी एक कहानी मैं आज आपको सुनाता हूं। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर हजारों साल पुराने बसे हुए शहर की कहानी, इस प्रयागराज की कहानी, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। देख लो, तुम भी देख लो। और जो धैर्यवान मनुष्य इसके किनारे अपनी देह त्यागते हैं, उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम कहा गया है। भारतीय पुराण में भी एक प्रसंग मिलता है कि एक बार जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनक जी से पूछा कि सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है, तब उन्होंने बताया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं, उनमें प्रयाग नामक तीर्थ सबसे उत्तम है। यहां पर ब्रह्मा जी ने स्वयं कई यज्ञ संपन्न किए थे, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो ऐसे पावन तीर्थ पर बसा है हमारा प्रयागराज। ये उन चार शहरों में से भी एक है जहां विश्व